लालू जी पर जो चार्जशीट हो गया इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? तो इस पे के तो प्रोसीजर है नॉर्मली, ये लोग तो इन लोग इसी एजेंडा के साथ ना आया था कि भाई चार्जशीट करें और क्या करेंगे। जब बीजेपी हारता है, जब उसको पता है कि महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, तो इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है। इसमें कहाँ कुछ है, कोई मतलब है क्या? मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है? अरे भाई हम बता ना रहे, इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों के का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ ज्यादा नाराज चल रहा है क्या? कुछ ऐसी खबर आ रही थी, चर्चा है ज्यादा नाराज है क्या? नाराज है क्या? ज्यादा नाराज चल रहा है? नाराजगी की बात ऐसी कोई नहीं है, हमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने कही नहीं। बैठक में आएंगे? अगर कोई ऐसी बात होती तो हमको कहते। बैठक में उनका तो पता नहीं, अब तो वो बंदे उनको लेना है। उपचुनाव हो रहा है सर, आप लोग के लिटमस टेस्ट है महागठबंधन बनने के बाद। हम लोग जाएंगे, हम लोग हर तरीके से लोगों से जो है हम लोग बात करेंगे, और मोकामा में है चुनाव और गोपालगंज में है चुनाव, तो इस पर हम लोग जल्द से जल्द निर्णय लेंगे कि महागठबंधन से दोनों सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग जो है बाई इलेक्शन अच्छे कम्फर्टेबली जीतने का काम करेंगे। एक सवाल उठ रहा है, जैसे जी बीजेपी कह रही है कि आरजेडी से कार्तिक सिंह है इसलिए पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है, जबकि वो फोटो खिंचवा रहे हैं। कार्तिक सिंह फोटो वायरल हुआ है, सब इस सब कौन बीजेपी क्या कहता है नहीं कहता है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन वो आप टेक्निकली कोर्ट का क्या है एक बार आप लोग बीजेपी को दिक्कत क्या क्या लगता है? तेजस्वी यादव को क्या लगता है बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? बीजेपी को दिक्कत है कि भाई सत्ता से अब सत्ता में नहीं है, और एक